की चालू ही थी, बैटरी खत्म इसकी। अरे बाप रे, चालू करके देख एक बार। खत्म भाई, सच में? चल 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 भाई, चल चालू करके देख, चालू करके देख, हो रही है। ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे। कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा है, से मम्मी लोगों को छोड़ा हूँ ना, तब से थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूँ। और इस सैड फील करने के चक्कर में अभी एक दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था। जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो और सडनली आपकी फैमिली आपके पास आती है, आप बहुत इंजॉय करते हो एंड देन वो चले जाते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बट या इट हर्ट्स, कोई बात नहीं, जिंदगी है, आगे चलना पड़ता है, किसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो सारी चीजें आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ और कोशिश करूंगा कि डेली व्लॉग करूँ। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि डेली व्लॉग में विशाल थोड़ा सा बोर कर देता है, एम नॉर्मल गाय, ठीक है, एम कॉमन मैन। तो कॉमन मैन की डेली लाइफ कैसी होती है वो सारी चीजें मैं आपको सिनेमैटिक ढंग से और पॉजिटिविटी के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं पसंद आता हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं उतना ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं नॉर्मल चीजें ज्यादा दिखाता हूँ, बेसिक लाइफ ज्यादा दिखाता हूँ, कॉमन पीपल की लाइफ ज्यादा दिखाता हूँ। मैं रिच गाय तो नहीं हूँ उतना ज्यादा कि मैं हमेशा लाइफ स्टाइल अपनी दिखाऊँ 5 स्टार 7 स्टार वाली। तो जैसी लाइफ स्टाइल मेरी है, जैसा मैं नेचुरल हूँ कैमरे के सामने, बिहाइंड द कैमरा, वैसा ही मैं आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई, मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि अभी थोड़ी सी धूप तो लग रही है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धूप बढ़ जाएगी, लेकिन बारिश के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। पिछले दो दिनों से थोड़े से बारिश के आसार दिख रहे थे, आधी तूफान के आसार दिख रहे थे। रात को ना मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर का जो ये लगा हुआ है ना पर्दा, ये पर्दा ठंडी ठंडी हवा को रोक देता है। तो हमको कभी कभी क्या करना पड़ता है, इसको हमको निकाल देना पड़ता है जिससे कि हवा अंदर आ सके और अंदर हमारा रूम है वहां पर हमको ठंडक मिल सके। अंदर रूम में सिर्फ पंखा है, एसी वैसी कुछ भी नहीं है। दोपहर को थोड़ी सी तकलीफ होती है जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। चलो भाई साहब, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग नाश्ता वाश्ता कुछ करने के लिए, और यहाँ पर चप्पल का बड़ा दिक्कत है। चलो कोई नहीं, जतिन भाई का चप्पल पहन के मैं जा रहा हूँ। ये देखो, ये वाला चप्पल जो है ना जतिन भाई का, वो पहन के अपन चलते हैं। जी नहीं, जिन्हें में नहीं जा रहे हैं, अभी अपन जाएंगे मयंक भाई की बाइक में। तो अपन मयंक भाई की बाइक में जा रहे हैं, ताकि हम लोग के दो स्पॉट है जहाँ पर हम लोग अक्सर नाश्ता करते हैं। पहला तो हमारे घर के पास वाला स्पॉट जहाँ पर हम नाश्ता करते हैं, और दूसरा स्पॉट यहाँ से थोड़ा सा दूर पे है, उमा चौकड़ी के पास है, वहाँ पर नाश्ता करते हैं। अभी क्या है कि मयंक भाई के लिए कुछ लेना भी है हम लोगों को, तो हम लोग उमा की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो उमा की तरफ चलते हैं, तो वहीं पर नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ कुछ कुछ वैरायटीज ही मिलती है नाश्ता वाश्ता करने के लिए, चाय और पोहे, सेव उसड वगैरह मिल गया, लेकिन वहाँ पर ज्यादा मिलता है। जिग्नेश भाई भी फुल रेडी है, देख रहे हो, चेन वेन गॉगल वगल के साथ हैंडसम मुंडा है। हालांकि 3 पिंपल हो गए इसको भी, देख रहे हो, इतना नहर में नहाएगा तो यही तो हाल होगा। अभी अपन चलते हैं इस बाइक में। जिग्नेश भाई बाइक को बाहर निकाल रहे हैं। भाई दो दो चाबी है, भाई दो दो चाबी है लगी हुई थी चाबी। बाप, भाई कौन लेके आया था इसको? चाबी चालू थी भाई। कौन लेके? मैं लेके आया था क्या रात को? हाँ भाई, भाई यहाँ पर चाबी लगी हुई थी। देखो, मैं तो वही सोचा कि मेरे हाथ में चाबी है, इसने कैसे निकाल ली बाहर भाई बाइक को? दो दो चाबी, ऐसा नहीं करने का यार, मैं भाई को बोलना पड़ेगा, वरना तो उनकी बाइक कौन कब कहाँ से उठा के कैसे ले आएगा पता भी नहीं चलेगा। चालू की चालू थी, बैटरी खत्म इसकी। अरे बाप, चालू करके देखिए पर भाई, सच में भाई ये तो अजीबोगरीब सीन हो गया यार। अभी मयंक भाई को बुलाना पड़ेगा, धक्का मार हो जाएगी, वैसे धक्का मारने पे हो जाएगी। सी, चलो धक्का मार के देखते हैं, हो जाए तो। चल भाई, 1 2 3 चल 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 भाई, चल चालू करके देख, चालू करके देख, हो रही है। और रनर अप चाहिए, चलो ऑल रनर चाहिए, चलो भाई वन, चलो 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 पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आ जाओ। भाई ये कैसे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता यार। एक्चुअली ये चाबी ने ना बैटरी चालू कर दी, तो अभी चालू के चालू थी रात भर, इसलिए बैठ गई है। चलो 1 2 3 चल 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 चल, बुलाना पड़ेगा भाई। चलो भाई, अब उनको बुलाते हैं, बाइक चालू करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। चलो भाई, फाइनली बाइक चालू हो गई है, थोड़ा सा रनिंग लेने के बाद बाइक चालू हो गई, अभी बैठ जाए, चले रुकेगी तो नहीं ना भाई ये बीच में, पता चला फिर बीच में सड़क में धक्का मारेंगे फिर अपन, पता चला। पे जहाँ पर हम लोग नाश्ता करते हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग का चाय और मसाला भाकरी ऑर्डर करने वाले हैं। पोहे खाने कुछ भी खा लेंगे तो या तो पोहे कर लेंगे। मान लिया हमारा नाश्ता आ चुका है, नहीं ये नहीं कर रहे हैं नाश्ते में, इसको साइड में रखो भाई, ये नहीं कर रहे, नहीं ये कर रहे हैं, हम नाश्ते में ये कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चाय है, एक चाय जिग्नेश भाई की, एक चाय मेरी, और चाय दो। अरे ओ, मैंने नहीं गिराई है, ये क्रियाक्रम हुआ है, वो भाई साहब जो डाल के गए ना उनके हाथों से, मैंने नहीं गिराई है। ये देखो, ठीक है, तो चलो अपनी चाय आ चुकी है, अभी मसाला, ये मसाला भाकरी से इधर चाय गिरी,
कोई बात नहीं, हो जाती है यार कभी कभी गलती। चलो फिलहाल तो अपन इसको फिनिश करते हैं और मस्त मजे लेते हैं। भाई साहब वैसे आए तो थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ का खाना थोड़ा सा मैंने देखा और मेरे को ऐसा लालच आ गया, और वैसे भी दोपहर के 1 बज गए, मैंने सोचा चलो खाना भी खा लेते हैं। तो नाश्ता करने के लिए आए थे लेकिन मुरारी खाना खा लिए, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मयंक भाई के लिए नाश्ता लेंगे, और नाश्ता लेने के बाद रूम पे निकलेंगे। भाई अभी हमने मयंक भाई के लिए ले लिया है चीज घोघरा, इसको बोलते हैं भाई साहब, ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ चीज घोघरा ऐसी कोई चीज होती है। तो अभी इसको लेके चलते हैं, मयंक भाई को ये खाने की इच्छा हुई थी तो ये उनको दे देंगे। भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं घर पे, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा आराम वगैरह करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से अगर निकलेंगे फोन चलाएंगे, सोशल मीडिया में लोगों का रिप्लाई देंगे, आप जैसे अच्छे लोगों का रिप्लाई देंगे। एक्साइटिंग सा मैं प्लान कर रहा हूँ कहीं पर घूमने जाने का या कुछ करने का, उसमें भी आप सभी लोगों को अपडेट देता रहूंगा मैं। भाई अभी तक मैं सो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ, जिग्नेश भाई ने उठाया कि चल यार चाय नाश्ता वगैरह कुछ करके आते हैं, बहुत टाइम से मैं सो रहा था। जिग्नेश तो सोया नहीं, जिग्नेश तो जाग ही रहा था हर टाइम, क्योंकि एक्चुअली जॉब का कुछ काम मिला है, डिजिटल मार्केटिंग में वो कुछ जॉब कर रहा है तो उसको थोड़ा सा काम मिला था, वो उस काम को कर रहा था। लेकिन फिलहाल अभी हम जा रहे हैं कुछ चाय ठंडा पीने के लिए, लेकिन मेरे को ना छाले पड़ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ठंडा पी लेता हूँ, वो चाय पी लेगा मैं ठंडा पी लूँ। तुम्हारी ये हालत की किसने भैया है भैया, ये कैसे हो गया भैया, तुमको क्यों ऐसा लटका दिया भैया। दिनेश भाई अभी आपको गुस्सा निकाल के दिखाएंगे, कि अभी मैं टेडी से बात कर रहा था ना, अभी ये टेडी से गुस्सा निकालेगा। कैसे निकालते हैं भाई गुस्सा है? अरे भाई भाई मर गया भाई, वो मर गया भाई, अरे भाई मर गया भाई, अरे मर गया भाई, अरे अरे मर, अरे हो गया भाई, उसको कितना मारेगा भाई, कितना कितना मारोगे भैया उसको। बस बस बस, अरे बस, अरे बस जी का बस, अरे भाई उल्टा लटका के मार दिया भाई, बस 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 भाई, ऐसा कैसा चलेगा। शाम के 5:40 एंड वी आर गोइंग टू हैव अ टी। तो भाई साहब शाम के 6:30 बजे हैं और नहा धो के अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल तो भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले शंकर भगवान के दर्शन करेंगे और फिर अपन आरती अटेंड करेंगे हनुमान जी की। भाई लगभग 1.5 घंटे तक मैं भजन में बैठा हुआ था प्रभु श्री राम के, प्रभु हनुमान के, और सच बता रहा हूँ इतना पीस महसूस होता है ना, इतना पॉजिटिव महसूस करते हो ना आप, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको, ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ भी नहीं चल रहा है जो आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, सत्संग करो, मेडिटेशन करो, इसलिए वहां पर गया था, प्रभु के दर्शन भी हो गए और मेरे को पता नहीं था कि आज मंगलवार है, ठीक है। तो मैं तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गया, वहां पर जब मैंने देखा कि लोग यार सब कुछ सामान वामान के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ अभी भजन करने वाले, तो मैं क्या मैं भी बैठ जाता हूँ, वैसे भी घर पे उतना कुछ काम नहीं है, अभी जाऊँगा एडिट वेडिट करूँगा आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि चलो यार अभी भजन करते हैं, बैठता हूँ थोड़ी देर, बहुत बहुत अच्छा महसूस कर, ठीक है। अभी जिग्नेश भाई थोड़ी देर में आ रहे हैं, हम जाएंगे कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए, फिर रूम पे जाके एडिट करेंगे। फिलहाल तो मैं ये देखो भाई साहब तालाब के पास आया हूँ और यहाँ पर पीस महसूस कर रहे हैं, पीस। जिग्नेश भाई आ चुके हैं और अभी हमने लिया है समोसा, तो अभी अपन समोसा खाने वाले, गिर गिर ना जाए भाई, और आज रात समोसे में गुजारने वाले हैं, क्या बोलते हो जिग्नेश भाई। बराबर, तो फिर ये देखो क्या पकड़ के खड़ा है भाई, क्या है तेरे हाथ में? चाबी। चाबी, चाबी। अच्छा, मेरे को लगा 500 की नोट लगे बैठा है, क्या 2000 की मतलब बैठना भाई, अगर है तो बैंक में चलेगा दे दे। चलो कोई नहीं, तो अभी समोसे खा रहे हैं, समोसे खाने के बाद यहाँ से जाएंगे अपने रूम पे, रूम पे जाने के बाद एडिटिंग करेंगे और आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग अपलोड करेंगे, ठीक है। आज वैसे मूवी देखने का प्लान है, कौन सी मूवी देखने का प्लान है? रनवे करके कुछ है, रनवे 43, अजय देवगन, रनवे 42, रनवे 32, रनवे कुछ तो पता नहीं, रनवे 34 है शायद, रनवे 34 है शायद, ठीक है। तो रनवे 34 देखेंगे, फिलहाल ये खा लेते हैं।